1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो अभी आया नहीं, जल्दी आएगा क्या? I think main man मनु से ही पूछना चाहिए. मुझे लगता है जब भी आएगा छप्पड़ फाड़ के आएगा. I think बहुत बहुत सेक्सी दिखेगा, नोट किया जाए. दोस्तों, पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट देखी जाती है जब भी Redmi का नोट सीरीज आने वाला होता है, और होना भी चाहिए क्योंकि Xiaomi का ये जो सीरीज होता है इसमें काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स हमें देखने को मिलते हैं काफ़ी रीजनेबल प्राइस में, और इसी कारण से पब्लिक काफ़ी एक्साइटेड रहती है इस सीरीज को लेकर, चाहे फिर चाइना हो या फिर इंडिया. अब दोस्तों, ये जो सेगमेंट है ना 12,000 से लेकर 16,000-17,000 वाला, ये एक गोल्डी जोन सेगमेंट है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स बेचे जाते हैं इंडिया के अंदर. अब दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रही थी कि हमें Redmi 9 सीरीज बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, तो अब इसे भी जो है Xiaomi ने ऑफिशियली कन्फर्म्ड कर दिया है कि Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro ये दोनों ही स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में 12 मार्च को. चाइना से भी पहले इंडिया में लॉन्च किए जा रहे हैं, और इस बारे में Redmi इंडिया और मनु जैन ने ऑफिशियली ट्वीट करके बताया है ट्विटर पे. मैं आपको यहाँ पे ट्वीट का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ. तो दोस्तों, क्या कारण है Redmi 9 सीरीज का इतना जल्दी लॉन्च होने का, जबकि हमें Redmi 8 सीरीज जो कि आज से ठीक 5-6 महीने पहले अक्टूबर के महीने में हमें देखने को मिला था उसका लॉन्च, और उसके बाद अभी बहुत ही जल्दी Redmi 9 सीरीज को लॉन्च किया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका कारण है Realme 6 सीरीज जो कि 6 मार्च को इंडिया के अंदर लॉन्च किया जा रहा है. तो ठीक उस लॉन्च के एक हफ्ते बाद, मतलब कि 12 मार्च को आपको Redmi Note 9 और Redmi Note 9 Pro इन दोनों ही स्मार्टफोन्स का लॉन्च इंडिया में सबसे पहले देखने को मिल जाएगा. तो अभी जिन्हें भी बाय करना होगा स्मार्टफोन्स, तो वो 10-12 दिन वेट करके और Redmi और Realme दोनों को ही कंपेयर करने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा स्मार्टफोन बाय करना है. और इसी वजह से Redmi बहुत ही जल्दी सिर्फ एक हफ्ते बाद ही अपना लॉन्च इवेंट रख रही है. दोस्तों, फिलहाल आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आप किस सीरीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, Realme 6 सीरीज या फिर Redmi Note 9 सीरीज, और अगर दोनों ही के लिए हो तो वही लिख दो कमेंट में. खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में. तो ये पिक्चर भी मनोज कुमार जैन के द्वारा ही रिवील किया गया है, और इसमें एक हल्का सा लुक आपको देखने को मिलता है Redmi Note 9 का. तो यहाँ से इस पिक्चर से इतना तो कंफर्म हो जाता है कि आपको USB C टाइप पोर्ट देखने को मिलने वाला है चार्जिंग के लिए, और अगर कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट्स की माने तो यहाँ पर आपको 27 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगा. हेडफोन जैक भी आपको नीचे के साइड ही देखने को मिलेगा, और साथ में स्पीकर ग्रिल भी एंड माइक्रोफोन. तो चलिए बात करते हैं कैमरा के बारे में. तो कैमरा, जैसा कि Redmi Note सीरीज का एक प्रायोरिटी रहता है, तो ये जो टीजर रिलीज किया गया है यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक क्वाड कैमरा का सेटअप आपको देखने को मिलता है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, और उसके बाद ऊपर में 9 लिखा हुआ है. तो इस बात से ये कन्फर्म हो जाता है कि इसी तरह के लुक का आपको कैमरा देखने को मिलने वाला है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि प्रीमियम स्मार्टफोन्स में इस तरह का लुक दिया जा रहा है. दोस्तों, अगर हम कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट्स की माने तो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, मतलब कि मेन कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि Redmi Note 8 Pro में भी हमें देखने को मिला था. तो खैर, कैमरा के मेगापिक्सल से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पिक्चर क्वालिटी में जरूर से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, बाकी 64 मेगापिक्सल तो एनफ है. दोस्तों, क्यों स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमें 64 मेगापिक्सल का ही कैमरा देखने को मिलेगा, क्योंकि Realme 6 सीरीज में भी आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप दिया जा रहा है. तो यहाँ पर Redmi Note सीरीज को इस बार कैमरा के मेगापिक्सल में इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि ज़रूरत है यहाँ पे फास्ट चार्जिंग में इम्प्रूवमेंट करने की, क्योंकि Redmi Note 8 Pro जो है वो फाइट नहीं कर पा रहा था. हम बात करें Realme के 5 सीरीज से या फिर Realme X2 से, तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग में जरूर से इम्प्रूवमेंट होना ही चाहिए Redmi Note 9 सीरीज में. तो दोस्तों, अगर आप Redmi 9 के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो, Redmi 9 की बात कर रहा हूँ, तो ऊपर आई के बटन पे एक वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप Redmi 9 के बारे में जान सकते हो, एक डेडिकेटेड वीडियो है. और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, पर Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro इन दोनों के बारे में आगे भी वीडियोस आपको देखने को जरूर से मिलते रहेंगे इस चैनल पे. तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आप कौन से डिवाइस के लिए एक्साइटेड हो. मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.